पर मैं हूं शेख जुई, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में गर्मी की लहर के बाद आंधी तूफान की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे पूरे राज्य में तापमान पर असर पड़ रहा है। जारी तूफानों के कारण तापमान में गिरावट जारी रहने का अनुमान है, इसलिए निवासियों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। 16 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। राजस्थान सरकार ने फर्जी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। किडनी तस्करी के तार बांग्लादेश तक जुड़े होने के बाद चिकित्सा विभाग ने नई SOP तैयार की है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्जरी तक सब ऑनलाइन होगा। जयपुर में पार्टी प्रदेश कार्यालय में रखा गया था नव निर्वाचित भाजपा सांसदों का अभिनंदन कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। अब भाजपा सांसदों को सीधे दिल्ली ही पहुंचने के निर्देश दिए गए। बता दें, पहले दोपहर 2 बजे कार्यालय में रखा गया था सम्मान कार्यक्रम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की मौजूदगी में रखा गया था ये कार्यक्रम। जयपुर में भूमाफियाओं के आतंक से आमजन परेशान है। जयपुर के जगतपुरा के Zone 14 में राधा विहार कॉलोनी में सैकड़ों लोगों के आशियानों को जानने की तैयारी कर रहे हैं भूमाफिया। लोगों ने UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा से लगाई गुहार। दौसा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। बता दें, जूली अलवर से जयपुर जा रहे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने नील गाय आ गई, जिससे उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। राजस्थान के कोटा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। कोचिंग छात्र ने बिल्डिंग की नवी मंजिल से कूदकर जान दे दी। MP की रीवा की रहने वाली छात्र बगीचा तिवारी नीट परीक्षा के रिजल्ट के बाद से तनाव में चल रही थी। छात्र जवान नगर इलाके में अपने भाई और माँ के साथ रहती थी। भीषण गर्मी में पेयजल को तरस रहे कोला गांव के ग्रामीणों ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जल जीवन मिशन में घोटाले के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने पेयजल उपलब्ध करवाने और जल जीवन मिशन में घोटाला करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार से मिलकर घटिया पाइपलाइन बिछाई, जिससे ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जिला कलेक्टर ने भी गांव में निरीक्षण के दौरान खानापूर्ति की और भीषण गर्मी में महिलाओं को दूर दराज से सिर पर पानी लाना पड़ रहा है या फिर ग्रामीणों को 500 रुपए देकर टैंकर से पानी भरवाना पड़ रहा है। सुनिए स्थानीय निवासी राजकुमार यादव ने क्या कुछ कहा। बोला ग्राम पंचायत से आए हैं और मारे पानी को नहीं आने लग रहे हो, पूरो जिको गर्मी है, जितना भी गर्मी आवे पानी को नहीं आवे। और अब जलदाय विभाग का अधिकारी है, बंगा बारी बारी में गेड़ो मारन लाग रहा, मैंने कई बारी में कह दियो। और बेंगाबाद में कलेक्टर साहब गए, पहला आगे गया, आज कलेक्टर साहब भी हैं तो वार्डा अंदर निरीक्षण करता फिर लाग रहा है, मैं वार्डा में जावा लेकिन वार्डा हमारे पानी को नहीं आने लाग रहे हो। गांव की लुगाइयां जी की आई है, सिर पर घड़ा चक्कर लेने लाग रही है या टैंकर में पानी लेने लाग रहा। जल जीवन मिशन के योजना के तहत करोड़ों रुपया केंद्र सरकार का है अने ग्राम पंचायत ने सॉरी दिया, लेकिन बेंगो कोई फायदा हमारे गाँव ने कौन मिलियो है। गाँव के अंदर पाइपलाइन जी की गाली है, जल जीवन मिशन की सारी घटिया क्वालिटी की है, सारी लाइना में पाट गई। अब पुराना कनेक्शन जी का हमारी पुरानी लाइना अंदर कर दिया, बहुत अंदर पानी चलने लग रहा है और पानी अंतिम में फुगे को नहीं। और बार बार जी का कर्मचारियों ने कहा गोलमोल जवाब माने देवे है। और मैं सारे चैनल के माध्यम हूँ जी का अधिकारी है, मैं निवेदन करा कि गाँव का लोग गर्मी के अंदर परेशान होने लग रहे हैं। गरीब आदमी टैंकर को नहीं गिरा, हर आदमी 300-400 दिहाड़ी कर गया, 400 रुपए टैंकर को लेने लग रहा है। ससुराल पक्ष पर घर से निकालने का आरोप लगाते हुए एक महिला अपने 2 बच्चे और परिजनों के साथ आज भीषण गर्मी में हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठ गई। भीषण गर्मी और तेज धूप में बच्चों और परिजनों के साथ महिला जिला कलेक्ट्रेट में गांधी मूर्ति के सामने बैठी। महिला का आरोप है कि उसके दोनों बच्चों सहित उसके पति और ससुर ने उसको घर से निकाल दिया और पुलिस भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही और एक थाने से दूसरे थाने में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ तेज धूप और भीषण गर्मी में बैठी महिला और परिजनों की सुध लेने कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। मेरे फूफा जी और बुआ जी और पापा और दादा जी ने हमारे साथ मारपीट करके हमें घर से निकाल दिया। 2 महीने से ना तो हमें कुछ खाने को दे रहे हैं, ना पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। ऊपर से हमें मारपीट कर परसों से घर से निकाल दिया है, कल से हम बेघर हैं परसों से। कारण यही रहा, हमें पढ़ाई के लिए कुछ नहीं दे रहे और हमें खाने पीने के लिए भी इस टाइम हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मिले थे हमने दोनों थानों में रिपोर्ट लिखाई थी, महिला थाने में और सिटी थाने में। वो दोनों एक दूसरे की तरफ चक्कर कटवा रहे हैं। हमारे साथ जब मारपीट हुई, सिटी थाने वाले बोल रहे हैं नील सर कि आप दो वो गवाह लेकर आओ दो कोई भी। मारपीट के वक्त हमारे घर में कोई कैसे हम गवाह ला सकते हैं, जो है वो दादाजी की तरफ बोल रहे हैं। हाँ सर, मम्मा के साथ वो शुरू से ही मारपीट करते थे, हमें भी घर से निकाल देते थे। और अभी भी हमारा राजीनामा हुआ था अमित शाह की कोठी में, वहाँ पे राम प्रताप के अमित शाह ने हमारा समझौता करवाया था 5,000 महीने में
और उन लोगों ने अभी हमें एक महीना हो गया है, हमें वो 5,000 भी नहीं दिया खर्चे के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उन लोगों ने कुछ दिलवाया ही नहीं हमें। भीषण गर्मी के बीच पानी के संकट से परेशान दिल्ली वासियों के लिए आई राहत भरी खबर। दिल्ली जल संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला दिया। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी देने का आदेश दिया। अब कल से पूरे महीने हिमाचल प्रदेश दिल्ली के लिए पानी छोड़ेगा। इस मामले में हरियाणा कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। एनडीए सरकार में अपनी पार्टी द्वारा 2-3 कैबिनेट पदों की मांग की खबरों पर एलजीपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि मैं ऐसी सभी बातों का खंडन करता हूं, कोई मांग नहीं है, कोई मांग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा लक्ष्य मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना था, या विशेष अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं और किसको नहीं। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।